पिता परमेश्वर यूसुफ और वे का परिवार ते बचान। याकूब का कनान देश में रांद बहुत साल वेगे छा। जब याकूब बुढ़े वे तो वे लपड़ा प्रिय नौना यूसुफ ते वे का भयों को हालचाल पूछण को भेजी। वे का भय जानवरों का झुंडों की देखभाल करना छा। यूसुफ का भय वे बेटी जलन कर द छा, किले की वे को बुबा वे बेटी बहुत प्रेम कर छो। और इले भी कि यूसुफ वाले सुपने देख छो कि ऊ सभियों को शासक वेगे। जब यूसुफ अपने भयों में आए तो ऊल वे थे बंधक बने दीन और वे थे नौकरों को व्यापार करने वालों में बेच दीन। घर वापस लौटने से पहली यूसुफ का भयों लो यूसुफ का कपड़ों ते फाड़ दीन और बकरा का लुए में भिगे दीन। फिर ऊल ऊ कपड़ा अपना बुबा ते दिखाई कि ऊ यू सोच लो कि गए जंगली जानवर यूसुफ ते मार होल। याकूब बहुत उदास छो। नौकरों को व्यापार करने वाला उ लोग यूसुफ ते मिस्र देश ली गए। नीलगाड़ का छाल पर बस्यू मिस्र एक बड़ो और शक्तिशाली देश छो। ऊ नौकरों का व्यापार करने वालों लो यूसुफ ते एक अमीर सरकारी अधिकारी ते नौकर का रूप में बेच दीन। यूसुफ अल अपड़ा स्वामी की बहुत अच्छा ढंगल सेवा कैरी और पिता परमेश्वर अल यूसुफ ते आशीष दीन। वे का स्वामी की जनन अल यूसुफ का दगड़ी स्योण की कोशिश कैरी पर यूसुफ अल परमेश्वर का विरुद्ध मा पाप कन से मना कर दीन। वह गुस्सवे अरवील यूसुफ पर झूठो आरोप लगे दीन। इले वे ते गिरफ्तार कैरी के जेलखाना में भेज दीन। इक तक की जेलखाना में भी यूसुफ पिता परमेश्वर का प्रति सच रहे और पिता परमेश्वर वे ते आशीष दीन। 2 साल का बाद निर्दोष होने पर भी यूसुफ अब भी जेलखाना में ही छो जबकि वो निर्दोष ही छो। एक रात फिरौन जन की मिस्री लोग अपना राजाओं थे पुकार दछा। वेल 2 सुपिन देखिन जो सुपिनोल वे ते बहुत परेशान कर दीन। वे को कोई भी सलाह देन वालो वे ते उन सुपिनों को मतलब नहीं बता सक। पिता परमेश्वर यूसुफ ते सुपिना को मतलब बताने की क्षमता प्रदान करी। इले फिरौनल यूसुफ ते जेल खाना बटी अपमा बुले। यूसुफ अल वे ते उन सुपिनों को मतलब बताई और बोली पिता परमेश्वर भरपूरी की फसलों वाला 7 सालों का बाद अकाल का 7 सालों ते भेजण वाल छ। फिरौन यूसुफ बेटी बहुत खुश हुए कि वेल यूसुफ ते मिस्र को दूसरो सबसे शक्तिशाली आदिम बने। यूसुफ अल लुखु बेटी अच्छी फसलों वाला 7 सालों का दौरान बड़ी मात्रा में खाणु ते जमा करने को बोली। जब 7 सालों को अकाल आई तब यूसुफ अल लुखु ते ऊ खाणु बेची कि ऊमा खाणु पूर हो। वो अकाल बस मिस्र देश में ही ना पर कनान देश में भी खतरनाक छो जख याकूब और वे को परिवार रौंद छो। इले याकूब अल अपड़ा सबसे बड़ा नौनते खाणु खरीदणु को मिस्र देश भेजी। जब वो खाणु खरीदणु को यूसुफ का समीन घोड़ुए तो ऊ भयोलु यूसुफ ते नि पछाण पर यूसुफ अल ऊ ते पछाण दीन। यू मालूम कनु को कि क्या वो बदल गेन। ऊ की जाँच करना का बाद यूसुफ अल बोली मित्र भय यूसुफ छो निडेरा। जब तुम मीते नौकर का रूप में बेच छो तो तुम बुरे कैर छे पर पिता परमेश्वर वी बुरे थे भले को इस्तेमाल कैरी। आवा और मिस्र मर्रा कि मी तेरा और तेरा परिवारों को खाणों को इंतजाम कैर सौ। जब यूसुफ का भय घर वापस एनी और अपड़ा बुबा याकूब ते बताई कि यूसुफ अब भी जूंद छ तो ऊ बहुत खुश छो। जबकि याकूब एक बुढ़े आदिम छो तब भी वो अपना पूरा परिवार का दगड़ी मिस्र देशों को चल गए और वो अख बस गए। याकूब का मुरन से पहली वे लपड़ा हर एक नौनते आशीर्वाद दीन। वाचा को वो वादा जो पिता परमेश्वर अब्राम बेटी कैर छो वो इसहाक और वे का बाद याकूब और वे का बाद वे का 12 नौनू और वे का परिवारों पर आगे छे। उ 12 नौनू का वंशज इसराइल का 12 गोत्र बन गिन। उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 बटी बाइबल की एक कथा।